जी वो सिद्धू हमें 7 मई को मोहाली में हमें मिले थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मेरा नाम रुद्रकरण प्रताप है, अवतार नहीं। तो हमें वो मोहाली में मिले थे किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। तो कुछ उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज वगैरह चल रही थी, कुछ पुलिस केस चल रहा था, तो उसी को लेकर वो मिलने के लिए आए थे हमें कि ये मतलब ग्रह गोचर कब ठीक होगा, ये कॉन्ट्रोवर्सी से वो कब मुक्त होंगे। तो उनका चार्ट, उनका बर्थ चार्ट, उनकी कुंडली देखकर हमने उनको ये बताया था कि आप अपनी बर्थ लैंड छोड़कर चले जाइए, आप पर कुछ हमला हो सकता है जिसमें मतलब आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने मेरी बात मानकर 10 या 11 मई 2022 को वो मुंबई चले गए थे, क्योंकि उनको बोला था कि जो आपके लिए हानिकारक रहेगा वो आपकी बर्थ लैंड रहेगी। तो ये बात को मानते हुए वो मुंबई चले गए थे कुछ दिनों के लिए। तो जैसे कि मुझे सिद्धू मूसेवाला जी ने बताया था कि 4 या 5 जून को उनकी फ्लाइट थी यूएस की, उनका कोई यूएस टूर प्लान था। तो वो कुछ दिन के लिए अपने माता पिता और परिवार को मिलने के लिए वापस मानसा आए थे, अपने गांव में मूसा गांव जो उनका है, तो वहां पे आए थे। तो 29 मई को सारा जग जानता है कि ये दुखद घटना उनके साथ वापरी। एंड बग्गा जी का ऐसा था कि बग्गा जी हमारे पुराने दोस्त हैं और हमें 17-18 मई को दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर्स में हम मिले थे उनको। तो उन्होंने जनरली कितने घंटे ये मुलाकात चली थी, किसके थ्रू सिद्धू मूसेवाला आपके पास आए थे और क्या कुछ डिटेल में आपकी बात हुई थी? देखिए मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और एस्ट्रोलॉजर हूँ। तो मेरे कुछ ट्वीट्स हैं जो वायरल हुए थे यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर और हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, हमारे कुछ ट्वीट्स वायरल हुए थे। तो प्रधानमंत्री ने 2022 में हमें ट्विटर पे फॉलो किया था, तो एक मतलब की कॉमन बज हो गई थी हमारे फ्रेंड सर्कल में। तो सिद्धू को पता लगा कि ऐसे करके हमारे चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, तो उन्होंने एक कॉमन फ्रेंड को बोला कि हमें मिलवाइए। तो सिद्धू मेरे ऑफिस आए थे, हम 4.5 से 5 घंटे हमारी मुलाकात हुई। ये मुलाकात कहाँ हुई थी? मोहाली में हुई थी। ठीक है। तो उनसे मुलाकात हुई एंड वो मैंने आपको बाकी दो बात बता दी कि उनसे मुलाकात वो क्यों करने आए थे, कि उनको वो कॉन्ट्रोवर्सी से राहत चाहिए थी, वो दूसरे से कब ये मेरा खराब समय खत्म होगा। और फिर उसी को लेकर हम 18 मई को दिल्ली गए थे, तो वहां पे तेजेंद्र बग्गा जी से मुलाकात हुई। तो जैसे आप सब जानते हैं कि मूसेवाला जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तो उन्होंने मुझसे इन जनरल बात की कि आपने मूसेवाले को मिले थे, तो उसकी कुंडली क्या कहती है, उसका पॉलिटिकल करियर कैसा है आगे, कि कुछ मतलब बनेंगे, कुछ मंत्री वगैरह बनेंगे अगर जाकर। तो मैंने बोला कि देखिए उनका पॉलिटिकल करियर को तो अभी एक साइड पे रख दीजिए, आप उनका जो समय है वो ज्यादा अच्छा समय नहीं है उनका। तो मैंने बोला अच्छा समय किस बात को लेकर, मैंने बोला कि उनपे अटैक हो सकता है विद इन 10 to 15 days। तो बोले अच्छा, तो मैंने बोला कि आप उनको मैंने ये सलाह दी है कि आप बर्थ लैंड छोड़ दो, क्योंकि जो घटना वापर सकती है वो आपकी बर्थ लैंड पे हो सकता है ऐसा। मैंने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया था 2022 मई में ये घटना वापरने से पहले कि मूसेवाले को मैं मिला और उनके लिए अगला 1-1.5 महीना अच्छा नहीं है। तो जिस दिन ये घटना वापरी 29 मई को, तो रात को मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं उनकी ये दुखद घटना को कमर्शलाइज नहीं करना चाहता था, बहुत गलत मैसेज जाता है और इंसानियत के नाते भी ये सही नहीं है कि हम मतलब सिद्धू मूसेवाला हमारे बीच में नहीं रहे, और ये पूरे पंजाब, पूरे संसार के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत शॉकिंग था। तो मैंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तो बग्गा जी का मुझे रात को कॉल आया 10:30-11 बजे, तो बोले कि आपने भाई साहब मुझे 10 दिन पहले बताया था कि इसको ऐसा हो सकता है, अटैक हो सकता है 10-15 दिन के अंदर अंदर। तो मैंने बोला कि यार हाँ, वो मैंने इन जनरल बात बोल दी थी। रुद्र जी, जो आपकी तरफ से सलाह सिद्धू मूसेवाला को दी गई थी, क्या सिद्धू मूसेवाला ने वो सलाह मानी? क्या सिद्धू मूसेवाला का भी विश्वास है एस्ट्रोलॉजी में था, आप ये रीड कर पाए? देखिए जो ज्योतिष है वो एक विद्या है, वो विज्ञान है। आज के समय में इसको डर का धंधा बना लिया गया, काफी बदनाम कर दिया गया। बट जी, जो सिद्धू थे वो ज्योतिष में बहुत मानते थे, उनकी बहुत आस्था थी ज्योतिष में, इसलिए वो आए ना। अगर उनकी आस्था नहीं होती वो 5 घंटे क्यों बैठते हमारे साथ, है ना। और सिद्धू को जब बताया था तो उन्होंने बकायदा बात को माना और वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे 10-12 दिन के लिए।
तो ठीक है, हर 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 व्यक्ति के इमोशंस होते हैं, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, अपने गांव के साथ। तो वो यूएस जाने वाले थे 1-1.5 साल के लिए, तो उससे पहले वो अपने माँ बाप के लिए कुछ समय बिताने आए थे माँ बाप के साथ। जी नहीं, आज पॉलिटिकल करियर को लेके भी उनकी सिद्धू मूसेवाला की तरफ से आपके साथ कोई चर्चा की गई, कोई बात की गई? देखिए उसके बारे में मैं आपको मतलब वो मैं साझा नहीं करना चाहूंगा, जो भी उनको बताया था उनको सिर्फ ये बोला था कि आपके लिए ये टाइम फ्रेम कठिन है, इस पे मतलब कुछ आपको हानि हो सकती है, इसको इस समय को निकाल लीजिए बस। तो फिर पॉलिटिकल बात तो बात की बात ही होगी ना। आपकी तरफ से कहा गया कि 4-5 घंटे मुलाकात हुई मोहाली में, ये मुलाकात हुई, तो उसके बाद भी सिद्धू मूसेवाला ने कभी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की इन 10 दिनों में? हमारी हमारी 20 दिन में भी 2-4 बार सर बात होती थी, स्नैपचैट पे बात होती थी, कॉल पे भी बात हुई है 2-3 बार। और जो कुछ बातें हुई वो चलो अब वो नहीं रहे, बट वो आप सबके साथ अभी मीडिया के साथ साझी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। और ये बात भी जो बाहर आई है वो चलो बग्गा जी ने बिग बॉस में बोला है, हमारी तरफ से कभी ये दावा नहीं किया गया था कि हमने कुछ ऐसा बोला, नहीं तो आपको पता है मैम अपना धंधा चलाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है, बट हमारा ये पैशन है ज्योतिष, ठीक है, इसको ज्यादा हम कमर्शियल नहीं करते हैं। रुद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आपकी तरफ से कहा गया सिद्धू मूसेवाला को कि आप पे अटैक हो सकता है, तो सिद्धू मूसेवाला का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? देखिए वो बहुत दलेर और बहुत नीडर किस्म के व्यक्ति थे, तो उन्होंने बोला कि देखो यार मुश्किल समय है तो इसको निकालना पड़ेगा, मैं बर्थ लैंड छोड़कर चला जाऊंगा, बट कहते भाई हमने किसी का बुरा नहीं किया, बोल मतलब सारा सारा जग जानता है वो उनका स्वभाव कैसा था। अपने माँ बाप के बारे में भी लेके उनकी तरफ से कोई सवाल आपसे किए गए? नहीं, माँ बाप को लेकर उन्होंने कुछ बस ये पूछा था कि माता पिता स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेगा, ये सवाल था उनका। जी, और उसके बाद उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि मैं ये अपनी जो बर्थ प्लेस है वो छोड़ के चला जाऊंगा? उन्होंने बोला था कि मेरे शोज हैं जुलाई में और मैं जून में मेरी फ्लाइट है, 5 या 6 जून को मेरी फ्लाइट है यूएस की, यूएस टूर है मेरा, तो मैं तो क्या था बता रहे थे कि पाजी मैं तो जा रहा हूँ बाहर। बढ़िया भाई आप निकल जाओ।